देश में लोकसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरणों के बनने बिगड़ने का दौर शुरू हो गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सोमवार को दिल्ली से पटना लौटे। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा कि सोनिया गांधी जब दिल्ली आएंगी तो उसके बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव उनसे जाकर मुलाकात करेंगे, ऐसा होना तय है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक बयान पर जवाब देते हुए कहा कि जिनको भरोसा नहीं है तो कुछ देर इंतजार का मजा लीजिए, ये होना तय है। दरअसल बिहार सरकार की ओर से 10 लाख नौकरी के वादे को लेकर प्रशांत किशोर लगातार ये कई बार कह चुके हैं कि अगर सरकार ऐसा एक साल में कर देती है तो वो भी उनके साथ आ जाएंगे। इसी को लेकर तेजस्वी यादव से सवाल किया गया था। तेजस्वी यादव ने कहा अब जिनको भरोसा नहीं है तो कुछ देर इंतजार का मजा लीजिए, हो ही जाएगा, ये होना तय है, इस बात को समझ जाइए। आगे उन्होंने कहा कि कौन क्या कहता है इस बात पर कमेंट नहीं करना है, हम लोग सरकार में हैं और हम लोगों का ये कमिटमेंट है और ये बिल्कुल होकर रहेगा। साथ ही विपक्ष के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी विपक्ष के लोगों को एकजुट करना है और जब सोनिया गांधी आएंगी तो उनसे मुलाकात की जाएगी। डिप्टी सीएम बनने के बाद हमने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के बयान के बाद सवाल पूछे जाने के बाद उन्होंने कहा कि इस पर हमें ज़्यादा टीका टिप्पणी करनी नहीं है, अगर सुशील मोदी को ढंग से पढ़ाई आती है तो उन्हें एक आँख से नहीं दोनों आँखों से देखना चाहिए। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार। Thank you.